दबाव को खाते में न लाते हुए आईन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस शिश्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला, इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने तरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अराकीन ने कौमी असम्बली को आजाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात में तहरीक इंसाफ का जिक्र किया न पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की। तहरीक इंसाफ इस केस में न इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, न पिशावर हाई कोर्ट में और न ही सुप्रीम कोर्ट में। एलामिया में कहा गया अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरी निशानदेही करें। रुकावट की सूरत में मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुजक्का खेज है। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की भी मुसम्मत।